नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं समाज की नजर। इस समय मौजूद हैं उमरदा में और प्रभकुल गल्ला मंडी उमरदा आपका स्वागत करता है। इसके बारे में आपको बताएंगे। अक्सर आपने चर्चाएं सुनी होगी और कई वीडियो भी इससे पहले देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा और यहाँ के कार्यक्रम भी देखे होंगे और कई ऐसी जो कृषि से जुड़े हुए यंत्र हैं, कृषि से जुड़ी हुई फार्म है और यहाँ पे आप इनके फार्म पे आज हम आ चुके हैं जो कि इनकी गल्ला मंडी, खुद की इन्होंने गल्ला मंडी बनाई हुई है। कितना यहाँ पे स्टॉक करते हैं और कितना स्टॉक नहीं करते हैं, किस किस चीजों का यहाँ पे बिक्री लेन देन होता है, सारी चीजों के बारे में आज बताएंगे और आपको लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे भी। चलिए आपको अंदर चलते हैं और पहले तो मंडी के अंदर भैया प्रवेश कर लेते हैं और अंदर घुसते ही आप लोगों को पहले नंबर आपको मिल जाएगी धान काटने की मशीन। देखिए जो कि एक अपने आप में पहचान करते हैं कि भैया धान से जुड़ा हुआ यहाँ पे गल्ला मंडी ज्यादा है। आप लोग दूर दूर तक जहाँ तक नजरें जा रही हैं आपकी, यहाँ से वहां तक जो स्टॉक लगा है ये धान का स्टॉक लगा है। किसान भाइयों, आप लोगों के आसपास उमरदा से आप देख रहे हैं, आप बेला से देख रहे हैं, आप तिरबा से देख रहे हैं, आप ठटिया से देख रहे हैं, आप आसपास के कहीं भी क्षेत्र से देख रहे हैं, आपके पास जितना भी स्टॉक में अगर धानी का है, जो भी किसान देख रहा है, आप यहाँ पे फटाफट लाइए उमरदा प्रभकुल फार्म से गल्ला मंडी। यहाँ पर आपको कैश में आपको पैसे मिलेंगे, नगद आप लोग, कोई भी उधारी नहीं, नगद आप लोग आइए, अपना सौदा जो जो भी लेके आएंगे, धान लेके आएंगे, गेहूं लेके आएंगे, आप कुछ भी यहाँ पे लेके आते हैं और हर चीज का यहाँ पे वजन होने के बाद तुरंत अपना कैश पैसा घर पे लेके जाएं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो है कटाई और छटाई का कार्य होता रहता है। यहाँ की जो प्रोडक्शन है, जितना भी यहाँ पे जो गल्ला मंडी का स्टॉक होता है, तो आप लोग देख सकते हैं मंडी में जो स्टॉक होता है उसका बराबर जो है यहाँ पे छान वगैरह होती रहती है, छटाई होती रहती है और जो कूड़ा कचरा है उसको हटाने का कार्य होता रहता है बराबर। यहाँ पे जो इनके कार्यकर्ता लोग हैं वो बराबर अपना कार्य करते रहते हैं। मंडी में स्टॉक दिखाने की कोशिश करेंगे, भैया पीछे से दिखाने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग से आप दिखाइए वहां से और यहाँ तक का आप लोग देख लीजिए। ये गल्ला मंडी इन्होंने खुद की बनाई हुई है, 200 बीघा में यहाँ पे इन्होंने करीबन जो है 5-6 बीघा के अंतर्गत यहाँ अभी तक जो है मंडी बनाई हुई है और भी इनका एरिया फैलता रहेगा। बाकी आगे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे भैया, आगे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कृषि यंत्र भी होंगे। देखिए आगे आइए भैया और आगे दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कृषि सेल्स कारपोरेशन प्रभकुल फार्म, ये एक नई मशीन है, इनके बारे में है। मशीन किस चीज की मशीन है इसके बारे में बताएंगे भैया से। शायद ये है चावल निकालने की मशीन है क्या भैया? तो ये जो है चावल, भैया मुनीम जी हैं यहाँ के, तो मुनीम जी से बात कर लेते हैं। पहले तो दिखाने की कोशिश करेंगे, देखिए नई मशीन है, चलती फिरती मशीन है, कहीं भी किसी को अगर इस मशीन की बुकिंग चाहिए आप लोग प्रभकुल फार्म से भी कॉल करके आप लोग बुक कर सकते हैं। और ये जो हम लोग कई किसान होते हैं धान कुटाने जाते हैं और चावल निकलवाने का कार्य करते हैं, ये जो है गाड़ी ट्रैक्टर द्वारा गांव गांव भी जा सकती है। अगर आप लोग चाहें कहीं, अगर ज्यादा मात्रा में आप लोगों को इसका प्रोडक्शन चाहिए कार अगर है, तो आप लोग बुक कर सकते हैं। बाकी यहाँ फार्म पे भी लाके ये कार्य कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पूरी मशीन है, देखिए मैं तो पहली बार इस मशीन को देख रहा हूँ, फिलहाल में पूरा पटे द्वारा ऑटोमेटिक मशीन है, अच्छा खासा ये कार निकाल के लाएगी। चलिए मुनीम जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया ये मशीन बताइए किस चीज के लिए मशीन है? ये चावल, धान से चावल निकालने की मशीन है। धान से चावल निकालने के लिए, अच्छा ये मतलब परमानेंट यहीं पे मिलती है या फिर लोग जो कोई किसान है वो ले जा सकता है किराए पे भी? किसान अगर किराए पे चाहे उसको उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा भैया ये पूरी ऑटोमेटिक मशीन? ऑटोमेटिक मशीन है। तो किसान भाइयों देख सकते हैं धान जो है आपको चावल निकालने की एक बड़ी सी ऑटोमेटिक मशीन आपको मिल रही है और अगर आप लोगों को चाहिए बुकिंग के लिए तो ये भी मिल जाएगा। फिलहाल में भैया का हमने गल्ला मंडी दिखाया और इसके बाद अब आपको चलेंगे अगले पार्ट में, दिखाएंगे कि कितने भैया के पास कृषि यंत्र हैं और कृषि यंत्र आप लोग देख के चौंक जाएंगे क्योंकि ऐसे ऐसे यंत्र मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में अभी तक उपलब्ध नहीं है।